साथ मैं हूं जीनत खान, आप देख रहे हैं आर्ट इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इंदौर में यातायात विभाग सहित तमाम संगठनों द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शहर में तमाम थाना क्षेत्र में सड़क हादसे की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला लसुड़िया थाना क्षेत्र में निजी कंपनी के कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत की घटना सामने आई है। इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र स्थित बाईपास पर जगदीश यादव नामक व्यक्ति की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जगदीश यादव देर शाम को नौकरी पर से लौटकर अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी अंध गति से आ रहे वाहन की चपेट में आ गए और MY में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक निजी कंपनी में एजेंट के तौर पर काम करते थे। फिलहाल पुलिस ने प्रथम दृष्टया मर्ग कायम कर परिजनों की कथन दर्ज करने के साथ ही हादसे को अंजाम देने वाले वाहन की तलाश में जुटी है। कल दिनांक को शाम के टाइम मृतक जगदीश जो है बाईपास पे था, वो अज्ञात को इस वाहन से जो है एक्सीडेंट से आई सिर में चोट के कारण मृत हो गई। आज तक PM करा है। क्या करते थे मृतक? सेल्समैन ही काम करता था, कहीं आना जाना हो रहा था उसका तो टक्कर लग गई मृत्यु। लगभग 45 साल करीब है ना। ये धीरज नगर में रहते हैं इंदौर में, और वैसे बस उत्तर प्रदेश में कहीं, अभी ये नहीं जानकारी है, अभी कुछ नहीं है इसकी जानकारी। अब जांच में पाएगा। लसुड़िया थाना का थाना लसुड़िया, नरेश सिंह भदौरिया।